गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड 7, सिविक सब्जेक्ट, चैप्टर 5, वुमेन इन द वर्ल्ड। टुडे वी स्टार्ट विद चैप्टर 5, सब्जेक्ट सिविक्स। Women change the world. In the previous chapter, growing up as boys and girls, we have learned the different scenario about the girl in the society, how we treat with the girl. We have already seen in the previous class chapter, and we saw how women's work in the home is not recognized as well. हमने भी देखा था कि जो वुमेन होती है, हाउस वाइफ वुमेन, जो घर का काम करती है, उसको जॉब नहीं कहते हैं, रिकॉग्नाइजेस वर्क, वर्क नहीं कहते, काम, घर का काम काम नहीं है। वो तो गर्ल को एज ए बोर्न गर्ल चाइल्ड हुए है तो उनको वो काम करना ही है, वो उनके लिए ही, ऐसा हम सोचते हैं, और उसको वी आर नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। जो वुमेन होती है उसको घर के काम में मीन्स उसको हार्ड वर्क होता है, उसको टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, सिक पीपल जो घर में होते हैं, एल्डर पीपल्स होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, उसको सबको टेक केयर करनी होती है, इसे फुल टाइम जॉब। एंड देर आर नो स्पेसिफिक आवर्स, उसके लिए कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है एट विच इट बिगिंस और एंड्स। इन द मॉर्निंग 5 AM से टिल नाइट 12 o'clock तक वुमेन पूरा घर को टेक केयर करती है, संभालती है। नो स्पेसिफिक आवर्स गिवन। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। आउटसाइड द होम द वर्क वुमेन डू। एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। और सब ऑक्यूपेशंस होते हैं मतलब सब वर्क होते हैं, सब बिजनेस सॉरी जो वर्क होता है, जॉब होता है, सब कोई काम होता है, वो मोर सुटेबल, मतलब वो प्रिफरेबली कि हम कहते हैं वुमेन अच्छा करेगी मैंस। इन दिस चैप्टर हम वो देखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। वुमेन struggle for equality। हम वुमेन के जो वर्क है उसको devalue करते हैं, सेम प्लेस पे, सेम ऑफिस प्लेस पे सेम वर्क वुमेन को भी देते हैं, मैन को देते हैं, तो मैं वुमेन जो काम करती है उसको devalue करा जाता है। तो वो भी हम देखेंगे कि वुमेन स्ट्रगल करती है फॉर इक्वालिटी के लिए। We also learn about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. तो education होने से women को new new opportunity मिलती है, और still is doing the more good work than men. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. Here is the best, if you given any project about the women change the world, then you use this photograph as a front page. Now here is given who does what work. What nahi, who does what work. Here given one draw images of the following. आपको ये जो blanks दिए हैं, जो boxes दिए हैं, blank boxes, इसमें आपको images मतलब picture बनाने हैं। Farmer, तो farmer का, factory worker कोई worker जो होते हैं उसका एक आप stick भी कर सकते हैं photograph। Nurse, scientist, pilot and teacher, तो आपको ये प्लेस में इनके इमेजेस स्टिक और ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ हियर इज गिवन वन डेटा, सी व्हाट इमेज
इज योर क्लास ड्रू बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो। फिर हम क्लास में सब स्टूडेंट को पूछेंगे, सबने ड्रॉ करके लाए होंगे। एड अप द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इमेजेस सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन। तो हमको ईच ऑक्यूपेशन के लिए सेपरेटली फिगर्स लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं। ईयर गिवन कैटेगरी, तो ये जो सिक्स डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है वो सिक्स नेम यहाँ है। टीचर है, फार्मर है, फैक्ट्री वर्कर है, नर्स है, साइंटिस्ट है, पायलट। ईयर है मेल इमेज, तो जिसने भी ये डायग्राम सॉरी ये इमेज में मेल कितने हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर में कोई खेडूत का इमेज बनाया है तो वो मेल है, तो हम उसको गिनेंगे वन। फैक्ट्री वर्कर में टू, नर्स तो गर्ल हो गई, साइंटिस्ट सॉरी मेल है तो थ्री, पायलट मेल है तो फोर, टीचर तो वो अगर लेडी है तो टू, और सर है तो फोर। तो टीचर का मेल इमेज अगर हम करेंगे थ्री, फीमेल टू करेंगे। फिर फार्मर में नहीं सॉरी ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है, क्लास में आपको देखना है कि टीचर में कितने लोगों ने मेल इमेज के है और फीमेल के कितने हैं। फॉर एग्जांपल मेल के टीचर में पूरे क्लास में समझो कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20, तो उसमें से 20 स्टूडेंट्स में से मेल के 20 पूरे आए हैं तो 20 करेंगे, फीमेल के 20 आए तो यहाँ डैश आएगा, अगर फीमेल 20 है तो मेल में डैश आएगा। वैसे सारे डेटा आपको भरने हैं। आर देयर मोर इमेजेस ऑफ मैन देन वुमेन, यस मैन के इमेजेस ज़्यादा ही होते हैं। इन व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स वर देयर मोर इमेजेस ऑफ मैन देन वुमेन, तो फार्मर, साइंटिस्ट, हैव ऑल द नर्सिस बीन ड्रॉन एज फीमेल्स, यस सारे नर्सिस सबने फीमेल कर है। वाई, बिकॉज इट इज प्रिफरेबल टू जॉब फॉर नर्स फीमेल। आर देयर फ्यूअर इमेजेस ऑफ फीमेल फार्मर्स, यस इफ सो वाई, क्योंकि खेत में हम देखते हैं, हम बोलते हैं फार्मर, हम कभी नहीं कहते कि फार्मर्स, फार्मर बहुत होते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं। यहाँ आपको इमेज से एकदम बराबर दिखेगा, ये जो लेडी है फार्म में काम कर रहे हैं तो हम उसको, ये भी फार्मर है, ऐसा नहीं है कि मेन जो है वो ही फार्मर होता है। 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर 83.6% वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क। तो हम कहते हैं 83.6% मतलब मोर देन 75%, 3/4 से भी ज़्यादा। दे आर वर्क इंक्लूड्स, अभी ये जो फार्मिंग वर्क होता है, एग्रीकल्चरल वर्क होता है, तो वुमेन का काम क्या होता है, प्लांटिंग, वीडिंग, वीडिंग का मतलब है जो एक्स्ट्रा जो होता है में उगता है, वीडिंग निंदामण कहते हैं हम, कटिंग करते वो, हार्वेस्टिंग कंपनी, थ्रेसिंग करना। यट वी व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन, हम कहते हैं फार्मर तो हम कहते हैं खेड़ी, तो फार्मर मतलब ऐसा नहीं कि मेन, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वुमेन होती है वो भी फार्मर कहलाती है, क्योंकि पूरा टाइम वो जो खेत में जो मोस्ट ऑफ द वर्क होता है वो वुमेन ही करती है। काउ को दोना होता है, काउ खेत में सब जो प्लांटिंग करना, वीडिंग करना, वो सब मेजोरिटी ऑफ द वर्क डन बाय वुमेन। यस गिवन, और हमारे मन में फार्मर मतलब हम जो हमारे पिक्चर छोटे क्लास में हम पढ़ते थे वहाँ से देखते हैं, तो जो हर पकड़ के प्लाउ पकड़ के जो और खेत में भी जो ट्रैक्टर चलाता है, हम फार्मर का इमेज हमारे मन में मेन का होता है। यह रोजी मैम्स क्लास है 30 चिल्ड्रन, अभी जो पीछे का डेटा था वो जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है तो 30 चिल्ड्रन का क्लास है। सी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज रिजल्ट, अभी उनके क्लास में 30 स्टूडेंट है तो उनके यहाँ पर टीचर में 5 मेल इमेज आए, 25 फीमेल आए। ये टीचर का मोस्ट ऑफ द जॉब फीमेल करते हैं, सर बहुत कम होते हैं। फार्मर में 0, क्योंकि हमने फार्मर का एक ही इमेज हमारे मन में है, प्लाव पकड़ के जो पर्सन खड़ा होता है, तो सब ने 30 यहाँ 0 कर दिए। नर्स में उल्टा हो गया है, 30 पूरे फीमेल है यहाँ 0 है। फैक्ट्री वर्कर 5 फीमेल है, 25 है। साइंटिस्ट 25, 5, पायलट 27, फीमेल 3। तो ये जो हमारे क्लास का हमको देखना है 7th स्टैंडर्ड में फॉर एग्जांपल जितने चिल्ड्रन है, तो हम ये एक्टिविटी कर करके
हम क्लास में कर सकते हैं, पीछे का डेटा आप भर सकते हैं। यहाँ पर अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है तक हमें जो जॉब लेने की, जो ऑक्यूपेशन में जाने की अपॉर्चुनिटीज होती है, फ्यूअर एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सिस, ने कहा कि नर्सिस में वुमेन ज़्यादा होती है, मैन एज आर्मी ऑफिसर्स। द रीज़न दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वेन वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। ऐसे मतलब हमारे हम कहते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि सर्टेन जॉब्स के लिए वुमेन गुड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक अ बेटर नर्सिस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। वुमेन जो होते हैं पेशेंट होती है, उसमें समझ सकती होती है, वो काम होती है, जेंटल होती है, उम्दा होती है। तो वो जो नर्स का काम होता है टेक केयरिंग ऑफ द जो हॉस्पिटल्स में आते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उसकी वो सेवा करती है, तो इसकी ऐसे कामों के लिए नर्स में वुमेन ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। दिस इज लिंक टू द वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली, मतलब कि हम कहते हैं कि वुमेन का रोल विद इन द फैमिली के अंदर, आउटसाइड होम नहीं, घर के अंदर वो अच्छा रोल कर सकते। सिमिलरली इट इज बिलीव दैट द साइंस रिक्वायर टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। टेक्निकल थिंग्स मीन्स द रिलेटेड टू मशीन, टेक्निकल थिंग्स। तो वुमेन्स आर नॉट एट गुड, नॉट कैपेबल ऑफ विद डीलिंग विद द टेक्निकल थिंग्स रिलेटेड टू मशीन। अगर ट्यूबलाइट लगानी है, कोई गैस का सिलेंडर लगाना, ऐसे टेक्निक के कामों के लिए हम जो होता है तो हम कहते हैं कि टेक्निकल माइंड साइंस रिक्वायर्स, और देयरफॉर हम वो मैन को ज़्यादा प्रिफर करते हैं। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप्स, ऐसा जो स्टीरियोटाइप एज इट इज़ हम ऐसा सोचते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम अ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, एक बार स्टडी फिनिश हो गई, ज़्यादातर घरों में फैमिलियों में क्या होता है गर्ल्स के लिए, दे आर एंकरेज बाई दे आर फैमिलीज टू सी मैरिज एज दे आर मेन एम इन लाइफ। ज़्यादातर जो गर्ल्स होते हैं आफ्टर द फिनिशिंग उनकी स्टडी फिनिश जाती है तो उनका मेन एम होता है, घर की फैमिली का एम होता है कि उनको वो मैरिज करवा कर उनको एक सेफ लाइफ में, मतलब उनको फैमिली जो होती है कि गर्ल को आफ्टर फिनिश हो गया अभी उनको एंकरेज करते हैं कि उनकी फैमिली एंकरेज करती है कि तू मैरिज करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। नाउ ये जो हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, तो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स की एक यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है इंजन ड्राइवर। बिकॉज सो मेनी पीपल सॉरी हियर वी आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इंजन ड्राइवर्स आर मैन, हम कहते हैं जो इंजन चलाना होता है ड्राइवर्स जो होते हैं वो मैन होते हैं। बट 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लकड़ा, यार ये जो लेडी है 27 ईयर ओल्ड की, इसका नाम है लक्ष्मी, फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली, आदिवासी फैमिली जो हम कहते हैं ट्राइबल पीपल, पुअर फैमिली की इन झारखंड की है, हैज बिगन टू चेंज थिंग्स। उसने पूरा सिनेरियो जो स्टीरियोटाइप का वुमेन का था वो पूरा चेंज कर दिया। उसने कैसे करा है, झारखंड की वुमेन 27 ओल्ड की है, इंजन ड्राइवर, इंजन चलाना। सी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। तो उसने एक जो कहते करिश्मा है कर दिखाया, जो एक पूरा चेंज कर दिया सिनेरियो वुमेन के ऊपर कि उसने इंजन ड्राइवर इंजन चलाना होता है फॉर नॉर्दर्न रेलवेज में। लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट, लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन।
वो जो पुअर फैमिली के होने के बावजूद भी उन्होंने एक स्ट्रगल कर मुश्किल को सामना कर हार्डशिप कर अपने मन में तय कर लिया था, श्योर कर लिया था कि अपने जो चिल्ड्रन को एजुकेशन देना है। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करने थी। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क, स्कूल जाने के साथ साथ वो घर में हाउस वर्क में भी हेल्प करती थी एंड डिड और जॉब्स, अलग से भी वो जॉब्स करती थी। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में रेलवे बोर्ड एग्जाम दी, डिप्लोमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने डिप्लोमा करा था और लक्ष्मी ने एग्जाम दे दी, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास हो गए। लक्ष्मी सेज, लक्ष्मी कहते हैं, आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इट इज नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। वेन शी वॉन्टेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, वैन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक एंड वैन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजिन ड्राइवर। हालांकि लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इट्स नॉट फॉर गर्ल्स। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करे थे, आई मेक श्योर टू गो अहेड एंड डू इट। लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। वेन शी वॉन्टेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब भी उन्होंने इलेक्ट्रिक्स में डिप्लोमा करा, वेन शी रोड मोटरसाइकिल्स एट द पॉलिटेक्निक एंड वेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। हर फिलोसोफी इज सिंपल, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। लक्ष्मी का कहना है, मैं मेरे पेरेंट्स का हेल्प करती हूँ, पेरेंट्स ने हार्ड वर्क करे हैं, क्यों मैं मेरे लाइफ स्टाइल, मेरे चॉइस, मतलब मेरे जो इच्छा है, मेरे विश है, मेरे ऐसे में लाइफ स्टाइल जीना चाहती हूँ, क्यों नहीं कर सकते ऐसे लाइफ में। अडोप्टेड फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल वुमेन्स फीचर सर्विस। तो ये ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप से यहाँ पर हम ये जो नेक्स्ट है, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स from the world around them. Sometimes these come in the form of demands from adults. At other times, they can just be because of unfair teaching by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job they will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. Now we remember that in the class 6 we have read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. हमको सबको पता है कि जो boys होते हैं in front of others, दूसरे के सामने कभी भी वो रोते नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक और है जो story है, हम देखते हैं कि Xavier was happy with the results of his class 10 board exams. Through his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subjects. तो जो जेवियर है उनका बोर्ड एग्जाम दी है 10th के, उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, पर उनको साइंस और मैथ्स में इतने स्कोर नहीं थे, उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस। When his parents saw his report card, however, they did not plead at all. तो खुश नहीं थे जेवियर के रिपोर्ट कार्ड से। My goodness, जेवियर, पेरेंट्स कहते हैं, You have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low. So, maths science mein marks unke low the. I know, mama. Oh, unke favorite subject thi, history. But it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. History unka favorite subject tha. Unme unse achhe mark the. Wo kehte hai, I don't want to take the maths, science. Why do you want to take history? Think about your future. तो हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हैं, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट इज नो स्कोप, हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, जेवियर कहता है, डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड। मैथ्स लेना है, साइड बाई साइड कंप्यूटर पढ़ना है। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज वेरी गुड। नाउ हियर After that, learning for change, we will see in the next class. Thank you very much. Now, here up to this fifth chapter, you read up to the learning for change at home, and this we will
See in the next class, Learning for Change. Okay, students? Thank you very much.